आज का टॉपिक है करंट अफेयर, जो आगामी एग्जाम जैसे हॉस्टल वार्डन, सब इंस्पेक्टर, एडीओ, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, सीजी व्यापम एंड सीजी पीएससी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से आपके आगामी एग्जाम एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो यहाँ से आने की संभावना पूरी है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। साथ ही एक और बात, जो वीडियो को लाइक करेगा वही कमेंट कर सकता है और उसी को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम हल करते हैं। पिछले वीडियो में आपको सवाल दिया था, तो इसका आंसर महेंद्र सिंह छाबड़ा होगा, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है वो? महेंद्र सिंह छाबड़ा। ठीक है, चलिए अब आज का पहला सवाल हल कर देंगे। आज का आपका 25 नंबर का प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की होगी और साथ ही आगामी एग्जाम में अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जो कि छत्तीसगढ़ से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए यहाँ से आपका पहला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार की तरफ मुख्यमंत्री मितान योजना चलाई जा रही है। तो ये मुख्यमंत्री मितान योजना जो चलाई जा रही है वो छत्तीसगढ़ से है। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अगर आपको दिखे वीडियो में आपको याद नहीं होता एक बार में, तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री मितान योजना का टोल फ्री नंबर, ये देखिए ये पटवारी 2000 अभी जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उनमें यह प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के 25 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो साथ में कॉपी जरूर रख लीजिएगा, जब भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगा उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मुख्यमंत्री जो टोल फ्री नंबर था, जो आपका टोल फ्री नंबर था मुख्यमंत्री मितान योजना, जो आपका हो गया आंसर 1454, यानी कि 14545। ठीक है, ये ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि मुख्यमंत्री मितान योजना से पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपके एक नंबर जरूर बनेंगे, एक से एक नंबर पूछा जाएगा, तो इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री मितान योजना, ठीक है, राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़, प्रारंभ हुआ है 1 मई 2022 को मजदूर दिवस के अवसर पर। ठीक है, जब मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ से आपके प्रश्न एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 1 मई 2022 को। ठीक है, टोल फ्री नंबर की बात करें तो 14545, और स्लोगन हमारा क्या है, हमार सरकार हमार द्वार। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो मुख्यमंत्री मितान योजना का जो उद्देश्य है, सभी नागरिक को, विशेष दिव्यांग, बुजुर्ग, महिला एवं निरक्षरों को 100 से अधिक सेवाओं पर घर बैठे लाभ पहुंचाना है। और कार्य की बात करें तो यह वर्तमान में 14 नगर निगम और 13 प्रकार की सेवा उपलब्ध होगी। शुल्क की बात करें तो टोल फ्री में कॉल करने के बाद 50 रुपये शुल्क, यानी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पर मूल निवास, जाति प्रमाण, आय प्रमाण, ये सब सारी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, या इसके मुख्य मतलब जो सेवा है उसकी आपको यह आधार देना होगा। ठीक है, इसके बाद जो विशेष है इसको याद रख लेना। ठीक है, जो विशेष है, मैं जो विशेष करके इम्पोर्टेंट लगाया रहता हूँ ना, उसको याद कर लीजिएगा। 4 से 9 जुलाई 2022 में आयोजित गुजरात में डिजिटल इंडिया के तहत कार्य की प्रशंसा मिली है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है हमारा, छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है जिन्होंने पेशा कानून को मंजूरी दी है, पेशा कानून को मंजूरी दी है, तो इसका आंसर 7वां होगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? 7वां, जो कि खनिजों पर ग्राम सभा की अनुमति का अनिवार्य होगी, अनुमति जो होगी उसका मंजूरी मिला गया है। ठीक है, नोट करते चलिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2022-23 के लिए सरकार द्वारा दलहन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वीडियो में आपको बताया था किससे,
धान संबंधित है, ठीक है, जो धान संबंधित जो कितना से 100 रुपये बढ़ गया है, ठीक है, जो उसका MSP है 100 रुपये बढ़ गया है, ठीक है। पिछले टाइम आपका धान का जो खरीदी था मतलब 1040 रुपये, अब बढ़कर कितना हो गया 2040 रुपये, और धान ग्रेड ए की बात करें तो 2060 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। पिछले टाइम आपको बता दिया हूँ, अगर यह वीडियो आप नहीं देख पाए होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दिए गए हैं, आप जाकर उस वीडियो को पूरा तरीके से देख सकते हैं, वहाँ सबके करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर देखिए 2022-23 के लिए जो सरकार द्वारा दलहन की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है, 50 लाख मीट्रिक टन रखा गया, कितना, 50 लाख, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, 2022-23 में राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य में दलहन की खरीदी की बात कही है, जिसे लक्ष्य रखा गया अरहर उड़द और मूंग पर 50 लाख मीट्रिक टन की खरीदी का, ठीक है। अब देखिए यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये वाला प्रश्न, ठीक है, ये एग्जाम में देखिए CG व्यापम में अक्सर पूछा जाता है, गोंचा पर्व के दौरान उपयोग किए जाने वाला तुबकी किससे बनता है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तुबकी जो होता है ना, ये इस प्रकार का टाइप से रहता है, बजाया जाता है, ठीक है, बांसुरी टाइप का रहता है ना, उसको बजाया जाता है, बांस से बना होता है, वो किससे बनाते हैं, बांस, एक एयर गन की तरह होता है, बंदूक तीर, ठीक है। जब बस्तर में जब भगवान जगन्नाथ की 22 प्रतिमाओं की पूजा की जाती है तो भगवान जगन्नाथ का आभार देने के लिए, सलामी यानी कि गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए यह बजाई जाती है, किसके बजाई जाती है, बांस से बनी होती है तुबकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको याद कर लीजिएगा। अब खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आगामी खरीफ फसल 2022-23 के लिए निर्धारित धान की जो खरीदी का लक्ष्य रखा है कितना लाख है, 110 लाख टन, कितना रखा गया है, 110 लाख टन रखा गया है, जो कि आगामी खरीफ फसल 2022-23 के लिए जो खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, इसको नोट करके चलिएगा और याद कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में पूछ सकता है। जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि छात्रावास अधीक्षक हो गया है, सब इंस्पेक्टर हो गया है, ठीक है, ADO सहायक विकास विस्तार अधिकारी, इन्हीं एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली आपको करंट अफेयर की क्लास कराई जाती है, साथ ही छात्र अधीक्षक की तैयारी कराया जा रहा है हमारे YouTube चैनल पर, ठीक है, और हो सके तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाएं और लास्ट तक वीडियो को देखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप इसको याद कर लीजिएगा, जो पिछले वर्ष जो पंजीकृत किसानों को पुनः पंजीयन की जरूरत नहीं थी, लेकिन 2021-22 में 105 लाख टन रखा गया है, जो पिछले वर्ष 2021-22 में 105 लाख टन का लक्ष्य रखा गया था, जबकि प्राप्ति 97.97 लाख मिलियन टन है, ओके। अब देखिए अब नरवा गरवा घुरवा की बात करें तो आपका अगला प्रश्न है कि नरवा गरवा घुरवा और बारी एला बचाना है, संगवारी के तहत राज्य में 2022 के लिए रोका छका अभियान कब से प्रारंभ किया जाएगा, इसको इम्पोर्टेंट है, याद करके जरूर चलिएगा, 10 जुलाई 2022 को, जो कि नरवा गरवा घुरवा और बारी एला बचाना है संगवारी के तहत ये रोका छोका अभियान प्रारंभ किया गया था। अब नोट कर लीजिएगा इसको कि क्यों प्रारंभ किया गया था, तो देखिए फसल व पशुधन की रक्षा के लिए जरूरी है और गौठानों में पशु चिकित्सा यानी कि शिविर लगाकर पशुओं के लिए स्वास्थ्य जांच की इत्यादि, ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ से आपका प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ से बिल्कुल है ना, आगामी एग्जाम में बिल्कुल यह प्रश्न पूछा जाएगा, तो नोट करते चले। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राज्य सरकार ने कहा है कि जनजाति विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र सरकार द्वारा खोले जाने की बात कही है, तो देखिए यहाँ पर जो विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र है सरकार कहाँ खोलने जाने की बात कर रही है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर GPM, ठीक है, इसका आंसर GPM होगा। देखिए अब नोट कर लीजिएगा इसको कि अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र राज्य के गौरेला पेंड्रा मरवाही में खुलेगा, नोट कर लीजिएगा इसको, गौरेला पेंड्रा मरवाही है ना, और केंद्र राज्य सरकार दोनों मिलकर लालपुर में 3 हेक्टेयर जमीन में आवंटित है, यानी कि इसको 3 एकड़ जमीन में बांटा गया है, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आज का आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
2022 लागू करने के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन सा स्थान है, पूरे देश में बोला गया, ठीक है, पूरे भारत में कौन सा स्थान है। देखिए अब एक बार और कन्फ्यूजन है, देश का मतलब होता है भारत, प्रदेश का मतलब होता है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब काफ़ी लोग इसको समझ नहीं पाते, तो ये एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 लागू करने में, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के पूरे देश में यानी कि भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है, तो छत्तीसगढ़ के भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है, तो इसका आंसर बी होगा 19वां, ठीक है, जो कि 19वां है देश का खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। नोट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र व राज्य के खाद्य मंत्रियों की उपस्थिति में रैंकिंग जारी किया गया था, जिसमें पहला स्थान कौन सा है, ओडिशा, इसको याद रख लीजिएगा ना, नोट कीजिएगा। अनुच्छेद 21 के द्वारा सरकार द्वारा बताया गया है कि जिसमें पहला स्थान कौन सा है, ओडिशा राज्य है, केंद्र और राज्य के खाद्य मंत्रियों की उपस्थिति में रैंकिंग जारी किया गया था, उसमें पहला स्थान ओडिशा है, नोट कर लीजिएगा ना, बिल्कुल एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए मैं आपको करंट अफेयर की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के गौठानों में कितने गौठानों को स्वावलंबी हो गए हैं, तो कितने गौठान संभव होंगे, तो इसका आंसर आपका बी जाता है 3,089, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तो नोट करते हुए चलिए कि देखिए, नोट कर लीजिएगा ना कॉपी में, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और राज्य में निर्मित सक्रिय रूप से संचालित जो 8,408 गौठानों में 3,089 गौठान स्वावलंबी है, जबकि स्वयं की राशि में 15.93 करोड़ रुपये का गोबर खरीदी है। देखिए अब गोबर खरीदी की बात करें तो अब देखिए इसको याद कर लीजिएगा ना, बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट है, जो गोबर खरीदी की बात कही गई थी, पहले कितने रुपए में बिक रही थी, 2 रुपए प्रति किलो में, अब गोबर खरीदी कितने में बेचेगी, जो गोबर सरकार खरीदेगी अब 5 रुपए में खरीद सकेगी, तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जब पहले 2 रुपए प्रति किलो बिकती थी सरकार द्वारा लिया जाता था, अब 5 रुपए प्रति किलो गोबर की खरीदी हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य स्थापना के बाद, जो राज्य स्थापना के बाद पहली बार राज्य के कितने जगहों के स्मारक को संरक्षित करने तथा प्रस्ताव हुआ था, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा आपका D4, ठीक है, इसका आप नोट करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में सर्वाधिक रूप से किस जिले में स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम में सर्वाधिक रूप से संचालित हो रही है, इसको याद कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम से आपको कितना है, तो 171, ठीक है, याद करते हुए चलिएगा ना, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो स्वामी आत्मानंद स्कूल के अंग्रेजी माध्यम से सर्वाधिक रूप से संचालित कौन सा जिला है, तो सर्वाधिक, देखिए अंग्रेजी के लिए मैं बताया तो आपको 171, ठीक है, बिल्कुल अंग्रेजी के लिए 171 है, जबकि हिंदी माध्यम के लिए 32 है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ ही सकता है। स्वामी आत्मानंद स्कूल जो अंग्रेजी है वो 171 संचालित किए गए हैं, जबकि हिंदी में 32 स्कूल, ठीक है। तो देखिए अब जिला की बात करें तो कौन सा जिला है, चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, डी, दुर्ग जिला ना, बिल्कुल दुर्ग जिले में सर्वाधिक रूप से संचालित हो रही है। अब देखिए नोट को इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। और देखिए दुर्ग में बात करें तो दुर्ग में कितने स्कूल खुले जा रहे हैं, तो 16, ठीक है, दुर्ग जिले में सबसे ज़्यादा है और 16 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जा रहे हैं, इसको याद कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झुमका आइलैंड, आपने सुना होगा अभी हाल ही में, झुमका आइलैंड किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, कोरिया, ठीक है ना, कोरिया होगा, नोट कर लीजिएगा ना, बिल्कुल नोट करिए इसको, ये आगामी एग्जाम में पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ में जो झुमका आइलैंड है ना वो कोरिया जिले में है, ओके, अब नोट कर लो इसको। मुख्यमंत्री ने इस झुमका जलाशय के मध्य झुमा आइलैंड को लोकार्पण किया है, इसीलिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आज़ादी में या आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव योजना, इसको याद करना, ठीक है, अमृत जो महोत्सव योजना है वो छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र संग्राम सेनानी के गृह ग्राम का चयन किया गया, वो कौन सा है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, देखिए ठाकुर प्यारे लाल सिंह हैं, छोटे लाल श्रीवास्तव है और कगलू कुम्हार है, यानी कि इसका आंसर सभी होगा, जो कि अमृत सरोवर योजना के तहत गांव के तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा, साथ ही गांव का भी विकास किया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ, करंट अफेयर जो आगामी एग्जाम में पूछ सकता है, तो बिल्कुल नोट करते हुए चलिएगा। और साथ ही नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के जिले का प्रथम स्थान मिला है, तो कौन सा है वो आप जल्दी बताइए इसके कमेंट में। इसका आंसर कांकेर ही होगा ना, कांकेर होगा, ठीक है, कांकेर जिला, कांकेर जिला है जो कि प्रथम, और बीजापुर को क्रमशः द्वितीय स्थान मिला है, ठीक है, कांकेर को पहला स्थान जबकि बीजापुर को द्वितीय स्थान मिला है। नीति आयोग के द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज के नाम से देश के आकांक्षी जिलों को अलग अलग 5 आयामों को लेकर डेल्टा रैंकिंग दिया गया है। इसके बाद बात करें कि इनमें कौन सा जो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तुम्बा शिल्पकार नहीं है। देखिए अब तुम्बा से पूछा जा रहा है, तुम्बा क्या होता है आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, तुम्बा क्या है कमेंट में जरूर बताएं, तुम्बा एक शिल्पकार नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर देखिए, अब तुम्बा का मतलब आप नहीं बता पा रहे हैं तो मैं ही बताऊंगा, ठीक है, तुम्बा का मतलब होता है लौकी, ठीक है, जो आप खाते हैं सब्जी बना के उसको खाते हैं, ठीक है, लौकी, जंगलों बड़े बड़े जंगलों में जो गोल गोल टाइप का रहता है ना, ऐसे टाइप का, ये वाला ऐसे टाइप का थोड़ा रहता है, एक मिनट, ये ऐसा टाइप का रहता है ना तुम्बा, जो बड़े बड़े पेड़ में लटके रहते हैं ऐसे टाइप के, ठीक है, तो यहाँ से मतलब जंगली जानवर, सॉरी मतलब जंगल में जैसे रहते हैं ना, तो एक मिनट ना, देखिए यहाँ पर जो तुम्बा है जंगल में रहता है उसको यहाँ से ऐसे काट दिया जाता है, पानी इसमें डाला जाता है, पानी भरा जाता है ना, उसको तुम्बा कहते हैं, उसको ना सुखा कर कलाकारी भी की जा सके, बहुत ही आकर्षक लगती है, लौकी को तुम्बा भी कहा जाता है, ठीक है। दीपक देवांगन ने 2009-10 में, जगत देवांगन को 2007 में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। अब इसका आंसर की बात करें तो प्रसिद्ध तुम्बा शिल्पकार नहीं है, तो ये मनसुख देवांगन है ना, इसका बिल्कुल करेक्ट है, मनसुख देवांगन, ठीक है, मनसुख देवांगन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जो कि 75 स्थलों का चयन किया गया था जिसमें छत्तीसगढ़ एकमात्र स्थान कौन सा है, तो इसका बहुत ही आसान है, बहुत लोगों का आंसर भी आ चुका है, इसका आंसर कौन सा होगा बता सकते हैं, भोरमदेव कह रहे, बहुत लोगों का आंसर भोरमदेव आ रहा है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जो देश के 75 स्थलों का चयन किया गया था वो एकमात्र स्थान भोरमदेव है, चंद्रखुरी नहीं आएगा बेटा, देखो चंद्रखुरी कैसे आएगा वहाँ पर, जब भोरमदेव की बात कर रहा हूँ तो भोरमदेव ऐतिहासिक पुरातात्विक पर्यटन स्थल है ना, जहाँ पर बरसात से बचने योग के लिए डोम लगाया जाएगा। योग कार्यक्रम की बात करें तो केंद्रीय आदिम जाति कल्याण विभाग के राज्य मंत्री रेणुका सिंह भोरमदेव में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुई थी, बिल्कुल याद रखना, चंद्रखुरी आएगा ही नहीं यहाँ पर, सभी लोगों का आंसर आ ही रहा है बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि शिक्षा के क्षेत्र में जो राज्य के 21 जिले को देश के टॉप 5 जिलों में शामिल किया गया है, देखिए टॉप 5 जिले में शामिल किया गया है, इसका आंसर कौन सा होगा जल्दी बताइए ना, इसका आंसर देखिए मैं आप सभी को बताया था पिछले वीडियो में, जो जिले में टॉप किया था तो उसमें पांचवा स्थान कोंडागांव का है, ठीक है, तो इसका आंसर भी बी होगा, कोंडागांव, ठीक है, कोंडागांव होगा, इसका आंसर भी होगा, जो कि नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र गुणात्मक सुधार के लिए देश के 5 टॉप पर परख जिलों का कोंडागांव की जगह दी है, नोट है ना, और ये इसको याद कर लेना, ये वाला आ सकता है, जो कि अभी फॉरेस्ट गार्ड चल रहा है ना एग्जाम की तैयारी, उन लोग याद कर लेना एक बार, वन उपजों और उत्पादों की गुणवत्ता में जो जांच के लिए राज्य के कितने जिलों को फॉरेस्ट सर्कल स्तर पर लैब बनाए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, आगामी एग्जाम में पूछ सकता है, इसका आंसर होगा 5 जिलों में, ठीक है, जो कि देखिए 5 जिले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अब मैं बता दूंगा, रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, जगदलपुर, सरगुजा में बनाए गए हैं, साथ ही महासमुंद में इका टूरिज्म विकास के लिए काम किया जा रहा है। देखिए अब हमारे ही जिले में, महासमुंद जिले में है ना, हमारे ही जिले महासमुंद में इका टूरिज्म विकास के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है, किसके लिए किया जा रहा है, इका टूरिज्म है ना, पूछ सकता है एग्जाम में। और 20 क्वेश्चन है आपका कि मिसेस इंडिया 2022 के लिए प्रथम रन अप रही जूही व्यास राज्य के लिए किस शहर में संबंधित है, इसका आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, आप लोग के लिए यह क्वेश्चन है, मैं ठीक है मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग जरूर बताएं। देखिए अब आप लोग बिल्कुल, मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ तो इसका आंसर भी आप कमेंट में जरूर बताएं ना, वीडियो को देखने से थोड़ी ना होता है, वीडियो देखने से थोड़ी ना होगा ना भाई, देखिए आप याद करोगे इसका आंसर बताओगे ताकि आपको मालूम पड़ सके,
अगर आपको देखिए मैं क्वेश्चन दिया हूँ, जैसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मैं बताया महेंद्र सिंह छाबड़ा करके, जो कि वर्तमान में है, ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर बताइएगा ना, क्या आएगा इसका आंसर आप बताएंगे। चलिए 21 का क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का पहला फुटबॉल मैदान कहाँ पर बनकर तैयार है। जो हाल ही में छत्तीसगढ़ पहला फुट, देखिए अब हाल ही में जो है तो एग्जाम में पूछ सकता है, पहला फुटबॉल मैदान कहाँ बनकर तैयार है, तो इसको पूरा अच्छा से याद कर लेना, ठीक है। 21 क्वेश्चन को बोल रहा हूँ मैं, इसका आंसर सी होगा जगदलपुर, ठीक है, जो इमलियों का मंडी है, ठीक है। अब देखिए फुटबॉल का प्रदेश में पहला टप मैदान बस्तर में तैयार, जिसे फीफा ने दो अंतर्राष्ट्रीय मैदान की मान्यता, प्लस साथ ही एथलेटिक्स भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, आपको इसको नोट करके चलिएगा कॉपी में, कि छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर कितने खेलों को इंडियन केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गई है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 7 केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गई है। देखिए अब नोट कीजिएगा कॉपी में ये वाला, देखिए आप स्क्रीन शॉट लोगे तो मोबाइल में रहेगा तो आपको याद नहीं होगा, तो कॉपी बनाइए, करंट अफेयर की डेली आपको क्लास कराया जाएगा ना, तो कॉपी बना कर रखिए और साथ ही नोट करते चलिए, ठीक है। इसके बाद टेस्ट क्लास रहेगी, बिल्कुल टेस्ट क्लास रहेगी, छात्रावास अधीक्षक सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, टेस्ट कल चलेगा, सभी ज्वाइन करना बच्चों उसमें, ठीक है। और वीडियो को तो लाइक करके रख लीजिएगा, हाँ जितने भी जुड़ चुके हैं वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, ठीक है। भारतीय खेल के प्राधिकरण द्वारा 5 मार्च 2022 को 7 खेलो इंडिया, ठीक है, तो देखिए जो तीरंदाजी सेंटर है बिलासपुर बीजापुर, हॉकी सेंटर राजनांदगांव जसपुर, व्हील बॉल है सेंटर गरियाबंद, मल्लखम सेंटर नारायणपुर, और फुटबॉल सेंटर की बात करें तो सरगुजा। अब यह देखिए ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह चल रहा है वर्तमान में, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष, ये आपका प्रश्न देखने को मिलेगा, देख लेना, आगामी एग्जाम में पूछ ही सकता है, अगर एक ना एक एग्जाम में पूछेगा, जैसे कि देखिए छात्रावास अधीक्षक हो गया है या अमीन पटवारी हो गया है, या फिर बात करें तो सहायक विकास विस्तार अधिकारी या फिर पुलिस भर्ती, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन इसको जरूर पूछेगा, तो इसको नोट करते हुए चलेगा कि वर्तमान में जो है ना, यानी कि हाल ही में माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो बालम चक्रधारी, बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा ना, आ ही सकता है क्वेश्चन, संभावित प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखें 24 क्वेश्चन, ठीक है, 24 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है, तो आप सभी को पता है कि कृषि कितने पर निर्भर है, तो 80% है ना, कृषि 80% निर्भर है, तो प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही में एक नहीं है, तो देखिए अभी तक जो छत्तीसगढ़ में जो पर्वतारोही हैं वो कौन कौन है, तो नैना सिंह धाकड़, राहुल गुप्ता या सविता धपवाल या चित्रसेन साहू, तो इनमें से कौन नहीं है, तो आप बताना है इसका पर्वतारोही में एक नहीं है, जो पढ़े होंगे अभी हाल ही में करंट अफेयर वो एग्जाम में आ सकता है, और यह क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, इसका आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। इसका सभी का आंसर आना चाहिए ना, इसका सभी का आंसर इसमें आना चाहिए, जो कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली छत्तीसगढ़ पर्वतारोही है, लेकिन इसमें से कौन एक नहीं है पूछा गया, तो कौन नहीं है, तो इसका आंसर आप ज़रूर बताएं कमेंट में, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको कैसा लगा है तो कमेंट में आप अपना आंसर ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करें ज़रूर, ठीक है। जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा तो